नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एन यू चैनल में। वैसे तो दोस्तों, प्रेगनेंसी बहुत सारी समस्याएं लेके आती है और उनमें से एक अहम समस्या है प्रेगनेंसी के दौरान स्किन प्रॉब्लम्स, यानी कि चर्म से जुड़ी हुई समस्याएं। किसी किसी महिला का प्रेगनेंसी के दौरान चेहरा एकदम मुरझा सा जाता है, रौनक एकदम चली जाती है, तो वहीं कुछ महिलाओं की स्किन जो है गर्भावस्था के दौरान और निखार लेके आ जाती है, स्किन का तेज और बढ़ जाता है और चेहरा एकदम दमकने लगता है और खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ने लगती है। तो ऐसा दोस्तों क्यों होता है, क्यों किसी महिला का चेहरा खराब हो जाता है, किसी महिला का चेहरा दमकता है? तो जिन महिलाओं के साथ स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कील मुहासे की समस्या आ रही है, उनका चेहरा डल होता जा रहा है, चेहरे की जो स्किन है उसका तेज कम हो रहा है, तो इसी वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए बिना कहीं पे स्किप किए हुए। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में उनकी स्किन में मुहासे हो जाते हैं। ये जो है मुहासे तनाव के कारण होते हैं। आपके जो शरीर होता है उसमें तेल ग्रंथि जब ज्यादा तेल बनाने लगती है, जिससे कि पीएच लेवल बिगड़ जाता है और यही कारण है चेहरे में मुहासे होने का। दोस्तों इस समय पे आपको क्या करना है, इस समय पे आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जब आपकी स्किन में चेहरे में मुहासे होंगे तो आपको ये समझना है कि आपको उनको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उनको बिल्कुल भी दबाने की कोशिश नहीं करनी है, उनके साथ कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उनके बिगड़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने चेहरे को एक अच्छे क्लींजर से साफ करना है। कम से कम अपने चेहरे को एक दिन में 5 से 6 बार धोइए। एक सॉफ्ट टॉवल की मदद से अपने चेहरे को सुखाइए। आपको ये समझना है कि जब आप टॉवल अपने चेहरे में लगा रहे हो तो आपको उन मुहासों को रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये रगड़ना भी हाथ लगाने के समान ही हो जाता है या उनको दबाने के समान हो जाता है। तो आपको बहुत ही आराम से टच करते हुए धीरे धीरे से आपको अपने चेहरे को सुखा लेना है। तो ऐसा आपको दिन में कम से कम 5 से 6 बार करना है। अपने चेहरे को आपको साफ रखना है ताकि उसमें से जो ऑयल है वो आप हटा सके। अगर ऑयल हटेगा तो आपके मुहासे होने के चांसेस कम होंगे और जो आपके मुहासे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान आपको मीठे का सेवन कम से कम करना चाहिए। ये ना केवल आपके वेट कंट्रोल में मददगार होगा, आपका वजन भी नहीं बढ़ने देगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी, लेकिन इन सब से हट के जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें भी बहुत लाभदायक है कि आपको मुहासे भी कम होंगे। कुछ महिलाओं की इस समय पे त्वचा बहुत रूखी हो जाती है और उसका भी सीधा साधा जो कनेक्शन होता है वो होता है शरीर में पानी की कमी। तो गर्भावस्था के दौरान आपको अपने शरीर के अंदर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। कम से कम आप एक दिन में 2.5 से लेकर 3 लीटर पानी पीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी त्वचा बिल्कुल रूखी नहीं होगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपको कि जो भी आपके अंदर शरीर के जो भी विषैले पदार्थ हैं वो आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएंगे और इससे भी आपको अपनी त्वचा में निखार आने में मदद मिलेगी। आपके चेहरे में मुहासे नहीं होंगे, आपकी त्वचा रूखी नहीं होगी। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पे महिलाओं को ये आती है कि उनके चेहरे में झाइयां हो जाती हैं। ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, क्योंकि इस समय पे मेलानिन आपके शरीर में काफी हद तक बढ़ जाता है और इसके कारण आपके शरीर में झाइयां हो सकती हैं, आपकी आंखों के नीचे झाइयां हो सकती हैं, आपके गर्दन और हाथों में कालापन आ सकता है। इसके लिए आप हमेशा कोशिश ये करें कि आपको कम से कम धूप में निकलना है, क्योंकि इस समय पे आपकी त्वचा है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। तो इस समय पे आपको धूप में नहीं निकलना, और अगर आप धूप में निकलें तो एक अच्छा सनस्क्रीन लोशन लगा के निकले। दोस्तों ओवरऑल इस समय पे आपको अपने जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने का और उनको दूर रखने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप पानी की मात्रा अच्छी रखें अपने शरीर में, पानी पीते रहें और मीठे का सेवन कम करें, धूप में ना निकलें और अपने चेहरे को आप कम से कम 5 से लेकर 6 बार धोएं और एक सॉफ्ट टॉवल की मदद से उसको पोंछें। तो दोस्तों ये सब आपको काम करते रहना है, ये समझना है कि आपको ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे जो आपके चेहरे में से जो तेल निकल रहा है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिसके कारण आपको मुहासे हो सकते हैं। तो इन सबसे बचना है दोस्तों, तो इन टिप्स को फॉलो करिए और आपको बिल्कुल मदद मिलेगी इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं, कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें। इस चैनल लाइफ एंड यू को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का संदेश सबसे पहले मिस और आप कोई भी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।